नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदेहात न्यूज में आपके साथ पलक। पीपी ज्वेलर्स को मिली धमकी, प्रशासन के पास कंप्लेन करने के बाद भी नहीं मिली प्रशासनिक सहायता। क्या यही है सरकार, क्या यही है पुलिस, जहां लोग दहशत से जी रहे हैं, कंप्लेन करने के बाद भी कोई सहायता प्रदान नहीं हो रही। बड़ा सवाल खड़ा होता है नीतीश सरकार से, क्या काम कर रही है बिहार की पुलिस। पीपी ज्वेलर्स, मेरा नाम प्रमोद कुमार पुद्दार। मेरे मोबाइल पर 1 जनवरी से लगातार मैसेज आ रहा है, 15 लाख का डिमांड किया जा रहा है। मैं पुलिस के यहाँ गया, पुलिस में रोज फोन आता है, रोज कंप्लेन किया जाता है। एफआईआर कर दिया हूँ, एफआईआर केस नंबर 1/2022 है और लगातार मैं पुलिस के संपर्क में हूँ। पुलिस वाले ने कहा कि आप एक रोज रुको, रुकते आज 8 और पुलिस जवाब में देती है एक दिन और। 9 तारीख हो गया, कुछ अभी तक कोई उजागर नहीं हुआ है। अंत में देखिए इस वीडियो में कि किस कदर यह इंसान डरा हुआ है उस आदमी से। जो अपराधी है वो हमको रोज धमकी दिया जा रहा है, नया नया धमकी दे रहा है। हम लोग पूरे परिवार डर से सहमे हुए, अब हम लोग क्या करें ये समझ के बाहर है। हम अब यहाँ के डीएम अरविंद कुमार से मिले, यहाँ के एसपी से मिले, डीएसपी साहब के नजर में है, बराबा वो है, सबके साथ हैं, लेकिन निराकरण कुछ नहीं है, जीरो। अब हम लोग क्या करें, कैसे जिएंगे, जाने प्रभु। हम आप लोगों से यही विनती करते हैं, इसको शेयर कीजिए और ये बात मुख्यमंत्री तक जाए कि सिर्फ दारू खोजा जाएगा कि पब्लिक को भी कुछ बचाया जाएगा। हर जगह दारू, शराब। जो आदमी हम लोग टैक्स भरते हैं, दिन रात टैक्स देते हैं, कमाते हैं 30% टैक्स भरते हैं और हर जगह से फोटो आता है पिस्टल का, कभी आता है रंगदारी टैक्स का। हम लोग कैसे जिएंगे मुख्यमंत्री जी। हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं, आप ही को मैं देता हूं 35 लाख साल का टैक्स, कहां है सोए हुए। सिर्फ दारू वाले खोजिएगा, रंगबाज को नहीं खोजिएगा। खून खोलता है हम लोग का बाल बच्चा नहीं है, सिर्फ आप ही के बाल बच्चा है। क्या समझ लिए, या तो कहिए आके हम बिहार छोड़ दो, हम 2 दिन के अंदर बिहार छोड़ देंगे। कहां है आपका प्रशासन, कहां है आपका डीएम, कहां है आपका एसपी। आज 9 दिनों से उसका क्यों नहीं खोज पता हुआ, हमको बताइए, जवाब दीजिए मुख्यमंत्री जी। हाँ मत जवाब दीजिए, हम बनी हुए तो क्या हुआ, मर लेंगे जी लेंगे। 2 गोली खाने के लिए तैयार है आप, 2 गोली देने के लिए तैयार है, सो भी सुन लीजिए आप। बहुत शौक नहीं है कि बिहार में ही रहे, ये आपका बिहार को क्या बना दिए हैं, जंगलात। हमने आपको मेल किया, हमने आपके सचिव से बात किया, आपके सचिव से आपको मेल किया मैंने, आपने कोई उत्तर दिया, आपने कोई कार्रवाई किया। एक झटोली हमको कहता है, फोन करता है, मैसेज भेजता है और आपने आज तक उसको पकड़ नहीं पाए, क्या भगवान का भेजा हुआ दूत है वो। मैं भाइयों, मैं आम जनता से यही अनुरोध करता हूं, जो जितने भी व्यापारी हैं जो सुन रहे हैं, इसको फॉरवर्ड कीजिए और इसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। हम लोग व्यापारी हैं तो क्या नपुंसक हैं, नहीं है। 2 गोली हम भी दे देंगे, सुन लीजिए। हम 4 साल से लाइसेंस के लिए, सर हम डीएन का पेपर पड़ा हुआ, आज तक लाइसेंस नहीं मिला, क्यों हम लोग क्यों डरते हैं, सिर्फ पिस्टल से डरते हैं, हमको लाइसेंस क्यों नहीं मिलता है, हमको जवाब दीजिए आप। हम लोग चोरी चक्का है, साल का 70 लाख टैक्स भरते हैं, समझे मुख्यमंत्री जी। 35 लाख आपको जाता है, 35 लाख जाता है मोदी जी को। मेरी बात को समझिए भाइयों, जो भी आज सुन रहे हैं सच्चाई बता रहा हूं मैं। हम लोग अब जीने लायक नहीं रह गए हैं, ना व्यापार करने लायक रह गए हैं, अब बताइए कि हम लोग कैसे जिए। इसको आगे बढ़ाइए, मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए और मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, मेरा नंबर लिख लीजिए 93-08-7372। आप बताइए कि हम बिहार में रहें या छोड़ दें, 2 मिनट में बिहार छोड़ दूंगा। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।